हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं 12:30। मैं अभी तैयार होके जा रही हूँ शॉप में। वो मेरे मेरे पति मेरे हस्बैंड सॉरी मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को स्कूल से लाने के लिए जाएंगे, तो मैं आऊँगी, फिर लंच बनाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। आज मैं किचन में हूँ। मैं अभी मेरा लंच बना रही हूँ। देखेंगे क्या बन रहा है लंच पे। ये है हमारा राइस डोसा। एक मिनट में दिखा रही हूँ। एंड जिंजर ऑनियन चटनी विथ टर्मरिक। देखिए, मैं ऑनियन फ्राई करने के लिए डाल दिया है कुछ। ये दोनों ही रेसिपीज कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम पिज्जे से वो डोसा के लिए हम प्लेन राइस बैटर प्रिपेयर करते हैं। बस राइस को भिगो कर राइस को रात भर भिगो कर रख देंगे। फिर उसे ग्राइंड करके उसमें तिल आता है ना, तिल, ग्रीन चिल्ली एंड थोड़ा हींग डालकर बस उसे मिक्स करके 1 घंटा रख के बस डोसा बना देना है। और ऑनियन के लिए मैंने पहले जीरा और रेड चिली डाला। उसके बाद मैंने उसमें ऑनियंस और जिंजर डाल दिया। वो फ्राई होने थोड़ा फ्राई होने के बाद उसमें टर्मरिक पेस्ट मिलाकर ग्राइंड कर दूंगी और थोड़ा सा चीनी डालूंगी। एक बात याद रखिएगा, कोई भी आप टर्मरिक डालकर कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो थोड़ी सी उसमें चीनी डालेंगे ना, उसका फ्लेवर और कुछ गुना बढ़ ही जाता है। आज थोड़ी देर हो गई है, सब प्रिपेयर हो के था, फिर भी मेरा बनाना थोड़ा देर हो गया। देखिए, मैं डोसा बना बना के आपसे बात कर रही हूँ। स्लो करे। आज देखा होगा आपने, मैंने डोसे में ग्रीन चिलीज मतलब छोटे छोटे पीसेस में डाला है। ग्रीन चिली हम जब ग्राइंड करके डालते हैं ना, तो वो बेहतर होता है। पर फिर भी मेरे हस्बैंड को पीसेस डालना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पीसेस डालती हूँ। अभी डोसा बन रहा है। मैंने किचन काउंटर भी क्लीन भी नहीं किया है, बस डोसा बना बना के ऑनियंस काट रही थी और ऑनियन फ्राई करने के लिए भी वो जब ठंडा हो जाएगा तो उसे ग्राइंड कर दूंगी। और क्या, आपको तो पता ही होगा इस गर्मी में डोसा बनाना मतलब कितना मुश्किल होता है। यहाँ पे अभी देख देख रहे हैं, आपको थोड़ा ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, वो यहाँ पे देखिए। हमारा इतना धूप आता है कि मैं उसे खोलूं तो प्रॉब्लम, ना खोलूं और प्रॉब्लम। बस क्या करूं, देख रहे हैं मैं कितना पसीना पसीना हो गई हूँ ना। क्या करें, अगर फैमिली को भी खाना पसंद है तो ये सब चलता ही है ना। सॉरी, मैं कल वीडियो नहीं बना पाई थी। कल मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, थोड़ा घर का आपको तो पता है, आपको तो पता होगा या नहीं, मैंने बताया होगा या नहीं, मेरा कारपेंटर का काम थोड़ा चल रहा था, तो इसीलिए आपको कुछ थोड़ा साउंड सुनाई दे रहा होगा। मेरा बेटा उस तरफ टीवी देख रहा है और ये धुआं हो रहा है, इसीलिए वो एडजस्टर फैन लगाया। आपको दिख रहा होगा, देखिए उस साइड से। कभी कभी क्या होता ना, हम प्लान कुछ और करते हैं और वो कुछ और जाता है। तो आज मेरा लंच बनाना शुरू करने में भी थोड़ा देर हो गया था, तभी मैंने सोचा करी बनाऊं या कुछ चटनी बनाता हूँ। तो मेरे हस्बैंड को चटनी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चटनी ही बना देती हूँ। बस सब तो मैं कर रही हूँ, पर इस बीच चटनी का फ्राई हो गया, ऑनियन फ्राई हो गया, उसे मैंने ठंडा करने के लिए भी रख दिया है। हाँ, अगर अगर सब हुआ पर करंट चला जाएगा, लाइट बिजली चली जाएगी, तो तब मैं क्या करूँगी।
सॉरी वो बीच बीच में मैसेज आ जाता है। मैंने कुछ सोचा है कि आज से मैं कुछ 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 ब्यूटी टिप्स पर भी होम रेमेडीज पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, अभी मैं लंच पैक वो ग्राइंड करूंगी, उसमें टर्मरिंग डाल के मैं ग्राइंड करूंगी। टर्मरिंग का प्यूरी आता है वो डालूंगी मैं, उसे डाल के ग्राइंड करके मैं लंच बनाकर शॉप में ले जाऊंगी और हम दोनों मिलके ही वहाँ पे लंच करेंगे। हम दोनों को अकेले खाने से, अगर मैं खा के जाती हूँ या वो खाते ही खाना नहीं खाते ऐसा कुछ नहीं, पर हम दोनों को ही अच्छा नहीं लगता अकेले खाना, पर क्या करें मजबूरी है, इसीलिए जितना हो सके हम रात को इकट्ठे बैठकर ही खाना पसंद करते हैं। अगर मेरा काम हो भी जाए तो वो मेरे लिए वेट करते हैं और हम मिलके खाना खाते हैं। ऐसी मतलब किसी दिन ज्यादा भूख लगी होगी तो मैं कहते हैं कि आप खा लीजिए, मैं बाद में खाऊंगा। तो बाय।